नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। नव संकल्प शिविर का आगाज हो गया है और इसी को लेकर के अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पी चिदम्बरम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वी थिंक दैट किलिंग इज नॉट एन आंसर टू एनी प्रॉब्लम। देयर आर जेन्युइन इश्यूज इन कश्मीर, दे मस्ट बी एड्रेस्ड हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, the history of the accession of the state of Jammu and Kashmir to India, and the developments in the last 75 years. These problems can be addressed only by a dialogue between the government and the people of Jammu and Kashmir. But this government is not indulging in any dialogue. But that doesn't justify any killing. The Congress party is opposed to any killing, killing by militants or indiscriminate killing by the security forces or religious hatred prompted killings. Any kind of killing we condemn in the most unequivocal terms, and we are sorry for the family of the person who died. We convey our deepest condolences, but we condemn in unequivocal terms any kind of killing. They still want to ask more questions, but it's already 10:30. They still want to ask more questions. No. We have to resume. We have a meeting schedule at 10:30. Some other time we'll look into. Thank you. दूसरा दिन है आज और मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आ रही है। उदयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस का अब नव संकल्प शिविर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये 3 दिन का चिंतन शिविर है, 3 दिवसीय ये चलेगा। आपको बता दें कि ये जो शिविर है काफी ज्यादा अहम होने वाला है। तो आपको बता दें कि पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और नव संकल्प शिविर का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुका है। वहीं आज शिविर का दूसरा दिन है और ये 3 दिन का ये शिविर है, यानी कि कल से ये शुरू हुआ और अब ये कल खत्म होगा। आज दूसरा दिन है ये चिंतन शिविर का और आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा अहम ये शिविर माना जा रहा है। तमाम इस दौरान मंत्रीगण मौजूद हैं।